सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से 2.1 और ये है हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो गाइस अगर मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँ तो मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूँ गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। और गाइस थोड़ा और बताना चाहूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इस साल, पिछले साल तो हमने धमाका किया था, इस साल के बोर्ड एग्जाम में हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया, सबसे ज़्यादा लाइव सेशन में बच्चों को पढ़ाने वाला जो प्लेटफॉर्म था वो यही प्लेटफॉर्म था। तो गाइस हम चाहते हैं कि इस बार स्टार्टिंग से ही बच्चों की वही हेल्प करें, बस आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। फटाफट वाले चैनल को शेयर कर दो, सभी तक जगह पहुंचा दो, सभी जगह आग लगा दो कि भाई यही प्लेटफॉर्म जिसपे A to Z सभी सब्जेक्ट मिलेंगे और बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। प्रैक्टिस सेट 2.1 ने पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई अपने साथ में टेक्स्ट बुक ले लो, मैंने भी PDF ले लिया क्योंकि बार बार आगे पीछे खोलने मज़ा नहीं आएगा। तथा एक टेक्स्ट बुक ले लोगे तो आपको चीज़ें बहुत क्लियरली समझेगा और आपका ध्यान क्वेश्चन पे और जो मैं बता रहा हूँ उस पर बना रहेगा। तो टेक्स्ट बुक अपने साथ रख लो, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई सबसे पहले अगर मैं यहाँ जाऊँ तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पहचान होती है ना भाई, वो जो सर्टिफिकेट होता है वो ये होता है, AX² + BX + C = 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, AX² + BX + C। मतलब कहने का मतलब इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो एक ही वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है। पहले क्या था, दो वेरिएबल दिखाई दे रहा था, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसके अंदर बस एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है। और एक और चीज़, इसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है, जो हाईएस्ट इंडेक्स है, वो 2 दिखाई दे रहा है। ओके, इससे ज़्यादा रहा तो बिल्कुल वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है भाई। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यही असली पहचान है। अगर आपको दिख गया तो आग बंद करके बोल दो भाई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलो आगे क्वेश्चन। हाँ, तो अपने को दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोला है, तो चलो हम बना देते हैं। ए बी सी की जगह पे कोई नंबर रखना, चलो हम नंबर रख देते हैं। पहला एक्स वाला ही बना देते हैं, 5X² + 3X + 2 = 0 बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और बनाना है 10, अब एक्स लिया वाई ले लेता हूँ मैं, अपनी मर्जी है भाई, वेरिएबल ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं इसलिए इधर एक्स लिखा हुआ है, आप एक्स के जगह वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, पर दिखना ऐसा ही चाहिए। 10Y² - 5Y + 7 = 0। आप देखोगे, देखो वेरिएबल सेम है। देन इसके अंदर एक और बना देते हैं आपके लिए 9, जब नंबर ढूंढो तो नंबर बनता नहीं है, 9Z² + 3Z + 2 = 0 बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, हो गया भाई। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये टोटल 6 जो क्वेश्चन दिए हुए, ये हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो चलो हम बताते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, कि पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमें वो है X² + 5X - 2 = 0 और हमसे पूछा है कि बताओ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो भाई देखो, इसमें एक्स और एक्स दोनों चीज़ें दिख रही है और हाईएस्ट इंडेक्स 2 भी दिख रहा है, वेरिएबल भी एक ही है और हाईएस्ट इंडेक्स 2 भी है, तो भाई काम खत्म हो गया, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम बस यहाँ लिखेंगे एक्स एक्स इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ हम ले लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हमसे पूछा है कि Y² = 5Y - 10, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। पहले इसको एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह बनाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या रहता था, एक साइड जीरो रहता था। तो याद रखो, क्वेश्चन मन में हमेशा आता है कि हम कौन से साइड जीरो करें, इस साइड जीरो करें, इस साइड जीरो करें। तो मैंने एक ही तरीका हमेशा बच्चों को बोला है कि अगर Y² पॉजिटिव है तो उसको चेंज मत करो, बाकी दूसरे साइड की चीज़ों को उसके पास लेके आके एक साइड जीरो कर दो। तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये अपने जगह पे ही रहेगा, बाकी सब राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -5Y + 10 = 0। ओके, पहले हमने उसको सिस्टमेटिक वे में कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह कर दिया। अब गाइस हम यहाँ लिखेंगे, अब Y सेम वेरिएबल है और हाईएस्ट इंडेक्स भी 2 है, तो इसमें सेम वही लिखेंगे हम, सेम चीज़ लिखने वाले, क्या लिखेंगे,
वाई इज द ओनली वेरिएबल वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज टू, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो भाई ये हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, वाई स्क्वायर प्लस वन बाय वाई प्लस सॉरी प्लस नहीं इक्वल है इक्वल टू। अब बहुत सारे लोग इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करना। स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। भाई इसको डिनोमिनेटर में कोई नंबर दिख रहा है या कोई फ्रैक्शन में कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो यहाँ भी हमें नहीं चाहिए, यहाँ भी हमें नहीं चाहिए। तो जो डिनोमिनेटर में जो भी फ्रैक्शन में जो भी वेरिएबल दिख रहा है उसको अगर जो डिवाइड में है तो उसी से पूरे को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो डिनोमिनेटर का वो चीज़ कैंसिल हो जाएगा, तो ये डिवाइड में है वो है ना, इसी को पूरे से क्या करूँगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, वाई 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 क्यूब हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा दोनों कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा टू वाई। ये क्या हो जाने वाला है, टू वाई हो जाने वाला है। अब टू वाई अंदर आएगा क्योंकि एक साइड हमें जीरो रखना है, और ये प्लस वन इक्वल टू जीरो। गाइस देखो सेम वेरिएबल तो है, देखो हम यहाँ लिखेंगे वाई इज द ओनली वेरिएबल बट मैक्सिमम मैक्सिमम इंडेक्स इज नॉट टू। अगर टू नहीं है, इज नॉट टू, देयरफॉर इट इज नॉट ए नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? बट मैक्सिमम इंडेक्स इज नॉट टू, ओके, देयरफॉर इट इज अ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि मैक्सिमम इंडेक्स इसका थ्री है, टू नहीं है। चलते आगे, अगला क्वेश्चन फोर्थ। इसके अंदर गाइस क्या है, एक्स प्लस वन बाय एक्स, फिर से वन बाय एक्स आ गया, माइनस टू। तो भाई ये एक्स हमें क्या, हमने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म देखा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स नहीं है, तो हमें ये डिनोमिनेटर का एक्स हटाना है, तो पूरे को हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वन, और यहाँ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, माइनस टू एक्स। अब ये माइनस टू एक्स अंदर चला जाएगा, ओके, क्योंकि हमने बताया था ना एक्स पॉजिटिव है तो इसको चेंज मत करो, तो यहाँ का कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये अंदर आ जाएगा। तो माइनस टू एक्स अंदर आएगा तो प्लस टू एक्स हो गया, प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्लियर? अब गाइस क्या करेंगे, अब देखेंगे, देखो एक्स इज द ओनली वेरिएबल और मैक्सिमम इंडेक्स कितना, टू है, और मैक्सिमम इंडेक्स टू है तो मतलब क्या है, ये इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई आप ये लिख दे रहे हैं। अब चलते हैं फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, सेम एम प्लस टू, देन उसके बाद एम माइनस टू इक्वल टू जीरो। आप देखो भाई ये ए है ये बी है, बट ये बी वाला सेम नहीं है, तो इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, हमें इसको पूरे इक्वेशन के साथ देन इसको पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो m को पूरे के साथ करते हैं, m माइनस बाय पूरे के साथ करना है, और प्लस टू को भी पूरे के साथ करना है, तो हमें चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो m स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस टू एम प्लस माइनस फाइव टू जार टेन इक्वल टू जीरो। अब गाइस क्या होगा, ध्यान दो, प्लस माइनस फाइव में से टू गया तो थ्री एम बचेगा, एंड बिगर नंबर का साइन माइनस का है, माइनस टेन इक्वल टू जीरो। अब देखो एम इज द ओनली वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, और हाईएस्ट इंडेक्स कितना है, टू है, तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलो अगला जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है
लगता है लास्ट क्वेश्चन एम क्यूब, ये तो भाई देख के पता चल रहा है, एम क्यूब प्लस 3m² माइनस 2 इक्वल 3m³। अब एक चीज है, ये 3m³ है, सबसे बड़ा वेरिएबल है, सबको हम उस साइड लेके जाएंगे। 3m³ जो बड़ा है उसके प्लेस को चेंज मत करो अगर पॉजिटिव है तो, ऐसे करने से इक्वेशन थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो पॉजिटिव है इसको चेंज नहीं करेंगे, ये सब उस साइड जाएगा तो माइनस एम क्यूब हो गया, ये उस साइड गया तो माइनस 3m² हो गया, ये उस साइड गया तो प्लस 2 हो गया इक्वल टू 0। अब देखो 3m² में से 1m² गया तो 2m² एम क्यूब बचा, सॉरी 2m³ माइनस 3m² प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो एम इज द ओनली वेरिएबल बट हाईएस्ट इंडेक्स इज नॉट 2, दैट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका जो 3 है 2 चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब चलो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन अपने को दिया, अगर मैं आपको दिखा दूं थोड़ा तो क्या है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन मतलब भाई देखो ये वैल्यू पुट किए 1 और -2 इसमें पुट किया जाएगा, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर पुट करने के बाद हमारा आंसर 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर ये एक्स के जगह पे पुट करने का आंसर 0 नहीं आता तो हम बोलेंगे नॉट अ रूट ऑफ द 1 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके तो चलो फटाफट फटाफट क्वेश्चन हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किधर गए किधर गए, हाँ जी क्या दिया हुआ हम इक्वेशन, उसके पहले और क्वेश्चन था क्या, अरे अरे तो पहले क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर ईच इक्वेशन। अच्छा ये वाला पहले, इसको हमें इसमें से ए बी सी लिखना है, सबका क्या लिखना है ए बी सी, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन सब में से ए बी सी लिखना है, चलो फटाफट ए बी सी पहले लिख देते हैं भाई। देखो लिखा है राइट द फॉलोइंग ए बी सी, तो हमें पहला जो है उसकी ए बी सी की वैल्यू लिखनी है, वो है 2y इक्वल 10 माइनस वाई स्क्वायर। ओके अब देखो गाइस ध्यान दो यहाँ अच्छे से, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो गाइस यहाँ ये माइनस में दिख रहा है, मैंने आप सभी को बताया था कि माइनस में दिखे तो सभी को पॉजिटिव में कर दो तो उसके प्लेस को चेंज करो, माइनस में नहीं तो प्लेस में चेंज मत करो। तो ये सब इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये अपने जगह पे ही रहेगा क्योंकि इस बार प्लेस इसका चेंज कर रहे हैं, इसका चेंज नहीं कर रहे, ये भी इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके देखो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल की साइड है तो प्लस 10 हो गया, प्लस 10 इक्वल की साइड है तो माइनस 10, और 2y तो अपने जगह पे ही है। अब यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए ना, तो बताओ ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे है हमारा 1, बी के जगह पे है 2 और सी के जगह पे है माइनस 10। क्लियर निकल गया। दस का सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगला है गाइस हमारा दूसरा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर 2x प्लस 3, ये हमारा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2x प्लस 3। तो हम देखो ये देखो क्या दिख रहा है, a माइनस b का स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये वाला a माइनस b का होल स्क्वायर, ये क्या फॉर्मूला था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना, तो ये हमारे लिए a हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2a मतलब x और b मतलब 1 कर दिया, देन प्लस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इक्वल 2x प्लस 3। अब गाइस ध्यान दो अच्छे से, एक्स स्क्वायर 2 1 2 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा 2x प्लस 3। अब गाइस देखो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो यहाँ किसी को भी चेंज मत करो, ये वाले साइड को इस साइड लेके आओ, एक्स स्क्वायर
माइनस टू एक्स प्लस वन ये अंदर आया, तो टू एक्स प्लस का माइनस हो, ये भी अंदर आया, ये हो गया। और हमारा देखो अब अच्छे से एकदम अच्छे से एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस फोर एक्स। दैन इसके बाद प्लस माइनस माइनस प्लस वन माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो भाई हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस फोर एंड सी इक्वल टू माइनस टू। यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं है मतलब वन वन। बी इक्वल टू क्या दिख रहा है हमें, माइनस फोर। एंड सी इक्वल टू हमें क्या दिख रहा है, माइनस टू। क्लियर? तो गाइस ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस फोर एंड सी इक्वल टू माइनस टू। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसी का। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इक्वल माइनस थ्री माइनस एक्स। सो गाइस ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, देखो जब भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, थ्री ये हो जाएगा प्लस एक्स, समझ में। अब सभी एक साइड हमें क्या राइट हैंड साइड जीरो करना है ना, हम जीरो कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स ये चेंज नहीं करेंगे, पॉजिटिव इधर का कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो इस साइड आएगा। ये प्लस एक्स आया तो माइनस एक्स हो गया, प्लस थ्री माइनस थ्री आया तो प्लस थ्री हो गया, इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड बिगर नंबर को प्लस का साइन है। फाइव एक्स में से वन एक्स गया तो फोर एक्स एंड बिगर नंबर को प्लस का साइन है, देन इसके बाद प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। फिर से कंपैरिजन करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे तो ए इक्वल टू वन आ जाएगा, बी इक्वल टू फोर आ जाएगा और सी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो भाई ये हो गया हमारा। अब अगला चलते क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा करें सब, तो चलो ठीक है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में गाइस क्या दिया हुआ है, थ्री एम स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस नाइन, थ्री एम स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस नाइन। अब देखो भाई बोला ना मैं राइट हैंड साइड को जीरो कर लो सब, तो जीरो करते हैं, ये सभी अंदर आ जाएगा क्योंकि थ्री एम स्क्वायर बड़ा है, इसको चेंज मत करो, राइट हैंड साइड को सभी को लेफ्ट हैंड साइड लाओ, तो हो जाएगा टू एम स्क्वायर प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। अब देखो थ्री एम स्क्वायर में से टू एम स्क्वायर गया तो ओनली एम स्क्वायर बचेगा, एम स्क्वायर प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। अब जब भी हम कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो भाई ए इक्वल टू कितना आ गया, वन आ गया। बी बी बीच वाला एम वाला वैल्यू कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम उसको कंसिडर करते हैं जीरो। एंड सी इक्वल टू कितना होता है, नाइन। और गाइस यहाँ से लिख के भी दिखाने का, एम स्क्वायर जो वैल्यू नहीं होती उसको प्लस करके जीरो लेने का, प्लस जीरो एम और प्लस लास्ट वाला नाइन इक्वल टू जीरो। भाई ये हो गया, ए इक्वल टू एम वन, बी इक्वल टू जीरो एंड सी इक्वल टू नाइन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर नाइन इक्वल टू थर्टी इक्वल टू थर्टी। बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं है, फिर हम थर्टीन को अंदर ले लेंगे, ए साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू जीरो। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ट्वेंटी टू इक्वल टू जीरो। माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन। बट मैंने बोला देखो बीच वाला टर्म फिर से नहीं है, तो जो टर्म नहीं होता उसको प्लस लिख के लिखते हैं, जीरो एक्स माइनस ट्वेंटी टू इक्वल टू जीरो। अब फिर से कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू जीरो एंड सी इक्वल टू माइनस ट्वेंटी टू। क्लियर हो गए ये हमारे सभी क्वेश्चन। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जो मुझे आपको दिखाना था वैसे मैंने पहले ही दिखा दिया था। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये सभी रूट्स, ये जो वन हम इस लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे, अगर पुट करने का इसका आंसर जीरो आता है तो वन इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर नहीं आता नॉट अ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर?
टेक्सटबुक होना चाहिए आप लोगों के पास। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है रूट फाइंड करने के लिए, एक्स स्क्वायर फोर एक्स माइनस फाइव और इक्वल टू जीरो। इसके बाद गाइस एक्स इक्वल टू वन एंड माइनस वन। देन सेकेंड जो दिया हुआ है वो है टू एम स्क्वायर माइनस फाइव एम इक्वल जीरो और दूसरा है हमारा एम इक्वल टू टू और फाइव बाई टू। सो अब हम वैल्यू पुट करेंगे एक एक को। सबसे पहले पहला हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। वन को पहले पुट करके देखेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ये वाली वैल्यू को एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। ओके, बहुत सारे लोग क्या करते फिर से इक्वल टू जीरो लिख देते। अरे मेरे दोस्त लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखना है, फिर से राइट हैंड साइड तो इक्वल करना है, फिर से जीरो मत लिख दो। ये हम बस ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को ले रहे हैं। तो एक्स की जगह पहले हम लिखेंगे, एक्स की जगह पहले वन पुट करेंगे, वन स्क्वायर प्लस फोर वन माइनस फाइव। तो वन का स्क्वायर वन प्लस फोर वन सा फोर माइनस फाइव। तो फोर और वन कितना गया फाइव, फाइव माइनस फाइव जीरो हो गया। सो जीरो आ गया ना लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो हम लिखेंगे देयर फॉर एक्स इक्वल टू वन इज रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, x इक्वल टू वन इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। अब दूसरा है इसके अंदर ये माइनस वन, मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं करता हूँ नीचे वाला, मुझे बताना माइनस वन है कि नहीं। दूसरा वाला हम करते हैं टू एम स्क्वायर माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो भाई फिर से लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है टू एम स्क्वायर माइनस फाइव एम। मैं 5 बाई टू करके दिखाता हूँ कि टू तो आप पुट कर ही लोगे 5 बाई टू करके। तो m के जगह पे 5 बाई टू, 5 बाई टू का स्क्वायर माइनस m के जगह फिर से 5 बाई टू। तो ये क्या हो गया 5 बाई टू, देखो 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 का स्क्वायर 4, 5 फाइव ज़ा 5 फाइव ज़ा 25 एंड अपॉन 2। अब देखो 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, तो कैंसिल 25 बाई टू माइनस 25 बाई टू। तो भाई ये कितना हो जाएगा, टू कॉमन ले लेंगे, डिनोमीटर सेम है तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। 25 माइनस 25 जीरो, तो आंसर क्या आ गया हमारा जीरो आ गया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर नहीं रहेगा तो नहीं रहता तो हम लोग ऐसे करते नॉट इक्वल टू, बट है तो ऐसा लिखेंगे। फिर इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर m इक्वल टू फाइव बाय टू इज रूट रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके क्लियर। सो भाई ये है हमारा, अब ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिया माइनस वन एंड टू, उसको करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन क्या है लास्ट आई थिंक नहीं, देखो फाइंड k इफ x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब गाइस हमें k की वैल्यू फाइंड करनी, ऑलरेडी हमें बोला है कि 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, 3 रूट है तो 3 को हमें x के जगह पुट करेंगे और हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये k वाले क्वेश्चन ना बहुत अच्छे से करो, k वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो मैं यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ, इक्वेशन क्या है के एक्स स्क्वायर, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, के एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब भाई एक्स की जगह पे क्या रखना है, एक्स की जगह पे अपने को रखना है थ्री, क्योंकि लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू थ्री इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन मतलब एक्स को पुट करने के बाद उसका वैल्यू जीरो आता ही है। हमें डायरेक्ट ये बोला, हमें तो किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला, हमें के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो हम रखेंगे एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा थ्री, थ्री स्क्वायर माइनस टेन
3 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, 9 के 3 का स्क्वायर 9 ना, 10 3 जा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब गाइस प्लस माइनस माइनस 30 में से 3 हुआ तो माइनस 27 इक्वल टू 0, माइनस 27 इक्वल टू सड़ गया तो प्लस 27 एंड 9 मल्टीप्लाई में इक्वल के सड़ आया तो डिवाइड में और k इक्वल टू 3। तो ये हो गया हमारी k की वैल्यू। अब गाइस जो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो अगला क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पाई एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस के इक्वल टू जीरो इज माइनस सेवन अपॉइंट टू, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो भाई मैं तो हमेशा क्या करता हूँ, एक्टिविटी आप अपने से ये बॉक्सेस को बना सकते हो, आपको अगर सॉल्व करने आने लगा तो कहाँ कहाँ क्या क्या फील करना है वो अपने आप कर लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सॉल्व करना, तो मैं सॉल्व करके पूरा कंप्लीटली दिखाता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना। तो यहाँ आगे का पी डी एफ मेरा ओपन नहीं हो रहा, क्वेश्चन यहीं से देख देख के लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन यहीं से देख के लिखना पड़ेगा, पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा हमारा। क्या है पाई एम स्क्वायर टू एम, पाई एम स्क्वायर प्लस टू एम, टू एम, टू एम प्लस के, प्लस के इक्वल टू जीरो, और हमारा जो वैल्यू है वो है माइनस सेवन बाय फाइव। मतलब हमें इस m के जगह पे जो रूट पुट करना है वो माइनस सेवन बाय पुट करना है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से समझना, इस माइनस सेवन बाय फाइव को इस m के जगह पे पुट करके हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो माइनस सेवन बाय फाइव, तो हम इस माइनस सेवन बाय फाइव पुट करेंगे, माइनस सेवन बाय फाइव इक्वल टू जीरो, माइनस सेवन बाय फाइव प्लस k इक्वल टू जीरो। अब देखो भाई आप सभी को ये बात पता है कि माइनस का स्क्वायर करने में प्लस हो जाता है, ओके। सेवन का स्क्वायर कितना होगा 49 एंड फाइव का स्क्वायर 25 प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सेवन टू जा 14 एंड अपॉन फाइव प्लस के इक्वल टू जीरो। देन उसके बाद गाइस फाइव वन जा फाइव, फाइव को फाइव ट्वेंटी फाइव, फाइव जा 25, यहाँ फाइव बचेगा तो होगा 49 अपॉन 5 माइनस 14 अपॉन 5 प्लस के इक्वल टू 0। अब गाइस ये देखो डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ 5 एंड 49 माइनस 14 प्लस के इक्वल टू 0। अब देखो 9 में से 4 माइनस हुआ तो 5 बचेगा, 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3 बचेगा अपॉन 5 प्लस के इक्वल टू 0। फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव सेवन ज़ा 35, तो सेवन सेवन प्लस के इक्वल टू जीरो, देयरफॉर के इक्वल टू माइनस सेवन, के इक्वल टू माइनस सेवन इज द रूट्स ऑफ द गिवन, मतलब द वैल्यू ऑफ के इज माइनस सेवन। तो भाई ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर, के की वैल्यू हमने पूरी तरह से फाइंड कर दी और मेरे ख्याल से गाइस आपको पूरी तरह से सब चीज़ें आ चुकी होगी और यहाँ अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। हाँ पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, पूरे के पूरे क्वेश्चन एक्सरसाइज खत्म हो गया। और गाइस जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ, लोगों तक बताओ, तो ऐसी हम एक्सरसाइज लाते रहेंगे और ज्योमेट्री, अलजेब्रा, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लैंग्वेजेस सभी सभी के लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं और बेस्ट प्लेटफॉर्म ये आपके लिए जो आपको बहुत अच्छे से सभी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।